हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात कर ली थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे था। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़ी थी। हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, ठीक। तो देखा आपने शायद कर लिया होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें बताने दें। देखें कैसे करना है इसको, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सर्फेस If a radiation of 1000 nanometers strike on it, भाई कहने का मतलब सिंपल सा इस क्वेश्चन में कि एक मेटल के सरफेस पे आपके पास 1000 नैनोमीटर का रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट आप करवा रहे हो, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, ठीक है। अब देखो उस मेटल का जो ये है क्या वर्क फंक्शन फाइ, वो आपको दिया है कितना, 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई आपको बताया था मैंने कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो भाई आप बता दो कि कितने फोटॉन्स गिर रहे होंगे, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे। लेकिन देखें उसके पहले कुछ चीज़ें बतानी होंगी। देखो अभी तक हमें इस मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया, लेकिन हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की एनर्जी कितनी, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या दी हुई है, आपको लेमडा यानी कि वेवलेंथ दी हुई है 1000 नैनोमीटर, बोलो सही है। तो बताओ इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है बहुत बार, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। भाई इतनी एनर्जी का फोटोन ही तो इंसिडेंट हो रहा है इस लाइट, इस मेटल की सरफेस पे। तो देखो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये, अगर जो वेवलेंथ हमारी वो नैनोमीटर्स में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लेमडा कितना है, 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर। अब यहाँ से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी का हमारे पास फोटोन आ रहा है, बोलो सही है, देखो दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि भाई जब ये इतनी एनर्जी का फोटोन, जब इतनी रेडिएशन वाली लाइट जब मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन निकालना तो एक बात की बात है, जरा आप देखो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 1.75 है ना। और बताओ लाइट से एनर्जी जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1.24। अब आप देखो अगर मिनिमम अमाउंट से भी कम अमाउंट की एनर्जी इंसिडेंट या स्ट्राइक कर रही है, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल के आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इस अमाउंट से कम अमाउंट की एनर्जी ने को आपने स्ट्राइक करवाया है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आ सकता है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर आंसर बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से भी कम है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, बहुत ही आसान सा था। आप इलेक्ट्रॉन निकालने के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकल रहे, ठीक है। तो फटाफट से इसको कॉपी करें और हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। कर लिया होगा। अब देखें हमारा जो अगला टॉपिक है, देखो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम दिखाते हैं वी नॉट से। देखो पोटेंशियल को हम वी से दिखाते हैं, तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, डेफिनेशन तो हम बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो नाम से पता चल रहा है कि स्टॉपिंग यानी कि रोक रहे हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है। देखो आपके पास फोटो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ही है, ठीक है। तो देखो आपके पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप कुछ इसी तरीके से था, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखो जब यहाँ पर लाइट स्ट्राइक कर रही थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, बोलो सही है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे थे सर्किट के अंदर, बोलो ठीक। बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो लाइट का जो बचा हुआ अमाउंट है, जो एनर्जी का जो बचा हुआ अमाउंट है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है ना। अब आप समझो भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेसिकली किसकी वजह से,
काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और देखो टॉपिक का नाम पढ़ो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इसको हमें क्या करना है, रोकना है, स्टॉप है ना, इसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो बताओ रोकने के लिए, बताओ, देखो आपको सबको पता होगा कि जो बैटरी का काम होता है वो फोर्स, बैटरी क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, ठीक है। आपने जो 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज की बात चल रही है बेसिकली, जो बैटरीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स प्रोवाइड करती है मूव करने के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से मूव कर रहा है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना है, रोकना है, रोकना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। और वो बैटरी क्या करेगी, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, तो ये बैटरी इसको अपोजिट फोर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। देखो ये माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ से और बैटरी हमने लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, जो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अपोज करेगी, मूव करने से अपोज करेगी, एक फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है वो क्या है, वी नॉट, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन समझे, एक और चीज़ यहाँ से डिफाइन हम कर सकते हैं, देखो इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह क्या है, जिसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, चार्ज इंटू वोल्टेज, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब आप एक बहुत सिंपल सा टर्म समझें कि यहाँ पर जो हमारे पास क्यू है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज कौन सा है यहाँ पर, क्यू मतलब सॉरी ई, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, और वी कौन सा हमने अप्लाई किया, वी नॉट अप्लाई किया ना। बताओ बेसिकली ये जो है ये वो एनर्जी है जो इस बैटरी ने क्या किया, अप्लाई की, ठीक है। क्यू इंटू वी क्या होता है, जो एनर्जी बैटरी से हमें मिल रही है, ठीक है। आप देखो भाई इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी उसके पास पहले से भागने के लिए है। बताओ इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है ना। बताओ आपको क्या अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा, है ना। तो बेसिकली देखो क्यों क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसके चार्ज को हम इसे दिखा देते हैं, और बताओ कितना वोल्टेज हमने लगाया है, ई हमारा चार्ज, और कितना वोल्टेज हमने लगाया, वी नॉट, और बताओ ये जो एनर्जी है बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और साथ ही साथ ये जो है, ये है हमारी स्टॉपिंग, मतलब ये तो अमाउंट इसके बराबर ही तो आया का है ना। बेसिकली आप एक काम करो, ये जो है ये पूरा अमाउंट, ये वाला, ये हमारी क्या है, स्टॉपिंग एनर्जी। देखो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि बहुत आसान से टॉपिक है, वही कोई बहुत खतरनाक सा टॉपिक नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ये डायग्राम बनाओ, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। देखें डेफिनेशन क्या है, देखें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज known as stopping energy, बोलो ठीक है। ये तो डेफिनेशन किसकी हो गई, स्टॉपिंग एनर्जी की, एंड करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भाई इसके करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो कौन सा है, वी नॉट, इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, कॉपी करो। कर लिया। अब आप देखें यहाँ से आप एक ग्राफ बनाने वाले हैं हम यहाँ पर, तो देखें
यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखो किस किस के बीच में है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो इंसिडेंट एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एनर्जी कौन सी वाली है? फोटोन वाली एनर्जी। ठीक है, इस फोटोन वाली एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं? इस फोटोन वाली एनर्जी को हम दिखाते हैं किससे? इस फोटोन वाली एनर्जी को, हाँ तो देखिए आप क्लियर दिख रहा होगा, इस फोटोन वाली एनर्जी को हम दिखा सकते हैं एच न्यू। ये होती है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हो। बोलो सही है। अब देखो क्या आप यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट लिख सकते हो ना? बोलो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट। अभी अभी हमने देखा था क्यू इंटू वी फॉर्मूला होता है एनर्जी का, तो उसके थ्रू हमने लिख दिया इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहां से आप क्या करो, यहां से आप वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई। बोलो ठीक है, क्या बताओ? आपको ये एक इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के थ्रू हम देखो क्या बनाने वाले हैं, हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ भाई आप भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ हम जो है वो किसके बीच में प्लॉट करने वाले हैं? हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं एक तो वी नॉट और एक न्यू के बीच में। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, ये वी नॉट है, वी नॉट है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये न्यू नॉट है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ना, ये वी है और ये न्यू है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में? V नॉट और न्यू, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है भाई, न्यू नॉट तो एक फिक्स वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो देखो जैसे भाई हम ग्राफ बना रहे हैं V नॉट और न्यू के बीच में। अब आप देखो भाई ग्राफ का नेचर कैसा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा y एक्सिस पे, तो ये y हो गया, ये हमारा x है तो ये x हो गया, तो ये पूरी वैल्यू देखो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम c बोल देंगे, और c कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये बेसिकली इक्वेशन जो बना है वो बना है किस टाइप का? वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस। ठीक, अब देखो भाई इसका इंटरसेप्ट जो है इसकी वैल्यू क्या है? एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, और जो बताओ जो स्लोप है, स्लोप बताओ स्लोप क्या है? ये जो एक्स का मल्टीपल होता है ना, स्लोप क्या है इसका? एच अपॉन ई। बोलो ठीक है, ग्राफ क्लियर है? तो देखो ये हमने पूरा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसको फटाफट से कॉपी करो। अब देखो भाई हम हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लगभग लगभग हम कंप्लीट करने ही जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, बस अब इसके हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं सबसे फाइनल में, सबसे लास्ट में हमें उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखें, लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके बारे में लिखने हैं, आप एक एक करके नोट करते चलिएगा। लिखें पहला पॉइंट, वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन होता है क्या? फाई, वर्क फंक्शन फाई, भाई मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्क फंक्शन फाई डिपेंड्स ऑन, भाई देखो फाई जो था वर्क फंक्शन वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग था ना, वर्क फंक्शन फाई डिपेंड्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, हर एक मेटल के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो याद करो हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक तो इंटेंसिटी और एक पढ़ा था हमने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म था वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, तीसरा,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, अपने को याद रहने हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। भाई बहुत सिंपल सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। भाई बताओ अगर ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहा होगा तो बताओ क्या हमें उसके लिए ज़्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो ये हमारे पॉइंट्स हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कौन सा इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हम हमारा अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम भाई आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, और हमने पढ़ लिया था अभी तक, हमने पढ़ लिया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और हमने उसके बाद हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने ये सारी बातें चल रही थी हमारी। अब हमारा जो अगला मॉडल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एक बहुत ही फेमस नाम आपने सुना होगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो एक बिल्कुल मैं फ्रेश पेज से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो देख जो हमारा अगला मॉडल वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो देखो इस मॉडल का जो सबसे पहला पॉइंट है भाई, सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है इस मॉडल के लिए, लिखें क्या है ये, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। भाई यूनी का मतलब सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, यूनी का मतलब वन होता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है बेसिकली ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एग्जांपल भाई वन इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन, क्या बस हाइड्रोजन के पास ही वन इलेक्ट्रॉन है क्या, क्या हाइड्रोजन पे अप्लाई होगा क्या, नहीं भाई हम और भी लिख सकते हैं, हीलियम प्लस, हीलियम के पास दो होते हैं तो तब हीलियम प्लस के पास कितना होगा वन, मतलब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्री, तो अगर थ्री में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो यानी कि टू पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा यूनी इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि ये जो मॉडल है बेसिकली, ये जो मॉडल होता है बोहर का, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो मैं आपसे कह रहा था, जो इसका ये सबसे पहला पॉइंट जो आ गया ना, यही इसका क्या बन जाएगा, ड्रॉबैक भी बन जाएगा, है ना, समझ में आ रही है बात कैसे। देखो भाई अगर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए अप्लाई हो रहा है तो भाई बाकी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए क्या है उसके लिए भी बताओ, है ना, तो वो सारी चीज़ें बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कुछ पॉइंट्स लिखना है हमें इस मॉडल के, तो लिखें पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, अच्छा देखो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं भाई, बेसिकली अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस जिनको कोई प्रूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो बोहर के मॉडल के जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये उसके अजम्पशंस थे, उसकी सोच पे बेस्ड थे, उसने बस सोच के हमें बताया था कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है तो ये चीज़ें होती है एटम के बारे में, ठीक है। तो हम बस पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई प्रूव नहीं था बोहर के पास, ठीक। तो जो पहला पॉइंट है देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एटम आउटसाइड द न्यूक्लियस इन सम वेल डिफाइंड सर्क्यूलर पाथ्स, इन सम वेल डिफाइंड सर्क्यूलर पाथ्स, ठीक है, विच इज नोन एज
विच इज़ नोन एज, भाई सब जानते हैं, ऑर्बिट ऑब्लिक एनर्जी शेल, ऑब्लिक एनर्जी शेल, ऑब्लिक एनर्जी लेवल, ठीक है, विच इज़ नोन एज एनर्जी शेल या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो उसने कुछ ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ्स बता दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और ऐसे काफ़ी सारे सर्कुलर पाथ्स होते हैं, ठीक है। तो उसने इन सर्कुलर पाथ्स को नाम क्या दिया, ऑर्बिट, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक। तो ऑर्बिट को भी उसने कैसे बताया कि जो ये मान लीजिए ये वाला जो ऑर्बिट है इसको उसने बोला एन इज इक्वल टू वन, पहला ऑर्बिट, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, इस तरीके से उसने ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया। और एक और तरीके से उसने ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया अल्फाबेटिकल, KLM, जो ये चीज़ आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो उसने अल्फाबेटिकली भी ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, KLM, इस तरीके से उसने ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो बेसिकली इन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। अब भाई ये क्या कह रहा है कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, कौन सा वाला, जो उसका लिमिटेशन था, जो ड्रॉबैक था उसका, कौन सा, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो भाई उसकी एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जब एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए बोर ने क्या बोला, देखो इसने बोला कि इन्होंने बोला है ना, सम्मान देना चाहिए, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा, अपनी एनर्जी का कोई लूज नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी जैसी है वैसी है, कॉन्स्टेंट बनी हुई है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में मूव करता है तो वो एनर्जी का कोई एमिशन नहीं करता है, ठीक है। तो बताओ क्या कभी भी एनर्जी का एमिशन नहीं कर सकता क्या, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई जब तक वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तब तक तो वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट के बारे में हम लिख रहे हैं, तो देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये एक चीज़ इसने बोल दी कि जो एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन इसने बोला हाउएवर एनर्जी चेंज विल ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन, इसने बोला कि एनर्जी चेंज कब ऑब्जर्व होगा, जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है मूवमेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। देखो क्या कह रही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन वेल डिफाइंड पाथ्स में, इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा उसकी एनर्जी में, लेकिन एनर्जी चेंज कब ऑब्जर्व हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जब ट्रांजिशन करे, ट्रांजिशन का मतलब या तो ये एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू टू में जाए, या टू से थ्री में जाए, या थ्री से टू में आए, टू से वन में आए, तो जब ये अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा तो क्या होगा, हमें एनर्जी चेंज ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखें, पहले लिख लिया, तो देखें क्या मतलब है इसका, देखें
ट्रांजिशन जब करता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसी के बारे में बात चल रही है। व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। क्या चाहिए होगी उसको? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में मूव कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वही शेल आपने देखे थे, अभी हमने बनाए थे काफ़ी सारे शेल थे, तो बेसिकली n इज इक्वल टू 1 जो होता है या जो n इज इक्वल टू 2 होता है, बेसिकली जो n के जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे शेल की एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसा बोहर ने बताया था। अभी आगे हम फॉर्मूला भी देखेंगे, उससे प्रूव भी हो जाएगा कि शेल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही होती है। ठीक है, तो बोहर ने बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक कम एनर्जी वाले शेल से ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में जाएगा तो बताओ ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भाई आप खुद भी एक नॉर्मल सी बात समझें, भाई अगर इलेक्ट्रॉन को एक कम एनर्जी वाले शेल से ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में जाना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, भाई उसको अपनी एनर्जी उस ज़्यादा एनर्जी वाले शेल के बराबर करनी पड़ेगी। तो बताओ उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। बोलो सही बात है। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, लोअर एनर्जी शेल, इट विल एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देखो जब इलेक्ट्रॉन इसी की तरह जब इलेक्ट्रॉन को अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना होगा तो बताओ हायर से अगर लोअर में आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन पहले हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, अब उसको आना है कम एनर्जी वाले में, तो बताओ उसको अपनी एनर्जी कम एनर्जी वाले के बराबर करनी पड़ेगी, तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी में आएगा तो उसको अपनी एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पॉइंट। तो देखें भाई, अब एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा या कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लिख देंगे डेल्टा ई से। और डेल्टा ई बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो आप समझो कि अगर आपको n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाना है ना, कम से ज़्यादा में जाना है, तो भाई आपको कितनी एनर्जी चाहिए, भाई जितनी एनर्जी 2 वाले की होगी और जितनी एनर्जी 1 वाले की होगी उसका जो डिफरेंस है भाई उतनी तो एनर्जी अपने को चाहिए, है ना। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, बेसिकली जो भी आपका फाइनल स्टेट है उसकी एनर्जी माइनस जो भी आपका इनिशियल स्टेट है उसकी एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ये जो भी भाई डिफरेंस होगा इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा के, क्योंकि भाई जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में हो रही है ना, रेडिएशन की फॉर्म में, यानी कि उसका हम कुछ लैम्डा या कुछ न्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो डेल्टा इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जो डिफरेंस है उन एनर्जी शेल का, शेल की एनर्जी का, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि भाई कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को वो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो बात समझ में आती है? ठीक है, आसान है ना। अब ये हो गया इसका पॉइंट। यहाँ से हम एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करें, फिर हम हमारा अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इसको कॉपी करें। लिख लिया होगा? ठीक है, अब आप देखें यहाँ से हम हमारा अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये बोर्स मॉडल का। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है। अब भाई एंगुलर मोमेंटम जो है, जब एक सर्कुलर मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। ये आप कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो खैर यहाँ तो बस इस पॉइंट की बात करनी है। जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी आर। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। बेसिकली बात चल रही है किस चीज़ के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, वो किसके मल्टीपल हो? एच अपॉन टू पाई के। वो एच अपॉन टू पाई की मल्टीपल हो, मल्टीपल यानी कि कोई एक नंबर से क्या हो? मल्टीपल हो। ठीक है, एच अपॉन टू पाई के क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ भाई इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस बोलता जा रहा है। ठीक है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक इन चीज़ों का। ठीक है, लेकिन ये इसका जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी कॉपी करें, अब कर लिया होगा। तो देखें यहाँ पर एम वी आर जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, एच अपॉन टू बाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, और एन बेसिकली जो भी नंबर होगा ना, सिंपल मल्टीपल है ना, बेसिकली जो एन होगा 1, 2, 3 इस तरीके से कोई नंबर होगा, ध्यान रखना एक इंटीजर नंबर होगा, एन की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी। ठीक है, एन 1/2, 3/4 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ये जो एन है ना, ये बेसिकली वो जो शेल नंबर है उसी के बारे में बात कर रहा है। ये जो एन होता है ये शेल नंबर ही होता है। ठीक है, और शेल नंबर आप जानते हो भाई, आप शेल को 1, 2, 3 ही बोलोगे, 1/2 तो बोलोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। और ध्यान रखना इसको भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को, दिस ये बहुत कम लोगों को पता होता है, दिस इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बोहर ने क्या किया, इस एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया। क्वांटाइज का मतलब ना एक इंटीजर फॉर्म में, समझ रहे हो ना, एक मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये देखो इसके ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। क्योंकि अब इन्हीं जो बेसिकली जो तीसरा पॉइंट है, बेसिकली इसके थ्रू हम अब और भी सारी चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बोहर ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी एटम के बारे में, कि एटम की जो ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस क्या होती है, या इस जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, या और भी चीज़ें, या फिर जो शेल है शेल उसकी एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में भी बोहर ने बात की थी। ठीक है, तो बस उन्हीं फॉर्मूला की तरफ हम मूव करने वाले हैं अब। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला की तरफ मूव कर रहे हैं, तो देखें एक नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका न्यूक्लियस, ये कोई शेल मान लो, और इस शेल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आप देखें भाई ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, बोलो सही है, फोर्स होगा ना, एक फोर्स होगा, कौन सा वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है ना भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसको हम इस वाले फोर्स को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना इसकी तरफ, इसकी वजह से भी इस रिवॉल्यूशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है जो कि बाहर की तरफ होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब आप बताओ जो भाई ये इस तरफ किसकी डायरेक्शन है, कूलंबिक फोर्स की, और इस तरफ जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, और ये एफ कूलंबिक। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ बाहर की तरफ लग रहा है और कूलंबिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कूलंबिक फोर्स है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जो मूव कर रहा है उसकी तरफ, उसकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, इस रिवॉल्यूशन की वजह से उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है,
उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, है ना, लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन तो अपनी पाथ पे चलता जा रहा है ना, वो ना तो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है। मतलब कि बताओ क्या जो एफ सेंट्रीफ्यूगल है, एफ जो सेंट्रीफ्यूगल है, बताओ क्या वो एफ कूलम्बिक के बराबर होगा क्या, है ना? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो सही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू एफ कूलम्बिक। ठीक है, जो दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता हो शायद आपको ना पता हो, तो बस ध्यान रखना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ एम क्या है, उस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास, उसकी वेलोसिटी, और आर जो रेडियस है। ठीक है, आर क्या है, बेसिकली रेडियस है इन दोनों के बीच की, ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम बोल रहे हैं आर। जिस वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है वो वी है, और इसका मास क्या है, एम है। ठीक है, तो जो एफ सेंट्रीफ्यूगल है वो कूलम्बिक के बराबर होगा। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख लिया, जो कूलम्बिक होता है याद करो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, वही सब जानते हैं हम इसको। अब देखें एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के, अब क्यू वन क्यू टू भी क्या है, जो आपका एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, दोनों को आप एक तो क्यू वन बोल लो एक क्यू टू बोल लो। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं ई बोल लूँ भाई, उसका चार्ज क्या होता है, ई। और मतलब क्यू टू जो कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा भाई, आप सोचो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। अच्छा प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, उसको हम किससे दिखाते हैं, जेड से। बताओ जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो बताओ एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, और हर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, ई। तो बताओ ये किसका चार्ज हो गया, ये हो गया चार्ज किसका, न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, क्यू वन हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया और क्यू टू हमने न्यूक्लियस को माना है ना। अब न्यूक्लियस का अगर चार्ज बताना है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। कितने प्रोटॉन्स, जितना क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज जो कि ई होता है, तो जेड ई, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो आपके पास रिलेशन बन रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये दूसरा इक्वेशन है, समझ रहे हो, ये दूसरा इक्वेशन है, और क्वांटाइजेशन वाला कौन सा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था। दोनों इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। ठीक है, कॉपी करें, हो गया। अब आप हेडिंग डाल लें फॉर्मूलाज related to Bohr's model, ठीक है, formulas related to Bohr's model। ठीक है, तो basically जो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अलग अलग formulas derive करेंगे। तो जो हम सबसे पहले formula जो हम derive करने जा रहे हैं वो basically formula है किसके लिए, radius के लिए। ठीक है, आप देखें क्या करना है भाई, आप क्या करो, देखो हमारे पास इक्वेशन था एक तो ये वाला, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया था। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे हो, क्या हो जाएगी, nh अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, तो मैं देखो पहले आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर v की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये हमारे पास उस क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूला से हमारे पास v आ गया है। ठीक है, अब इसको हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में हम इस v की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, अब आप देखें जब हम इस v की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखें क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहा हूँ m अपॉन आर, और देखो v क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। बोलो सही है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो
अब क्या करूँ, इसको धीरे धीरे सॉल्व करूँ, तो देखो ये हो जाएगा m, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है, m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। देखो एक आर से एक आर पहले ही कट गया था और यहाँ पर एक और आर कैंसिल हो गया है, ठीक है, एक एम कैंसिल हो गया है, बोलो मेरे ख्याल से कैंसिल हो गई चीज़ें। आपको क्या करना है, आपको रेडियस निकालना, देखो ये एक आर बचा हुआ है, तो आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू इस आर को उस तरफ भेज दो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखो भाई ये आपके पास एक रेडियस का बहुत सुंदर सा फॉर्मूला आ गया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट मैं इस फॉर्मूला को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो फॉर्मूलाज हैं ये जेई में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप इन फॉर्मूलाज को याद करने की, याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं तो देखो वही है कि आपको बार बार रिवीजन करोगे, और मैं भी अभी ये फॉर्मूला बहुत बार आएगा, मैं काफ़ी बार बोलूँगा तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आप खुद भी रिवीजन करोगे और मैं भी बार बार इस फॉर्मूला को बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं, ठीक है। वैल्यूज़ कौन सी, देखो एन तो बेसिकली शेल होगा, ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट तो कुछ भी हो सकता है, जेड जो एटम, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, तो एटम्स जैसे एटम चेंज होगा जेड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एच हाँ, लेकिन एच हमारे पास कॉन्स्टेंट है 4 पाई एम, एम बेसिकली इसका मास इलेक्ट्रॉन का वो भी कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, के की वैल्यू भी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है, फिक्स है। तो बेसिकली हम यहाँ पर वैल्यूज लिखने वाले हैं, यहाँ पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, ये हमने एच की वैल्यू लिख ली जूल सेकेंड्स, एसआई में चलना है यहाँ पर, ठीक है। 4 पाई, पाई हमें पता है क्या होता है 3 या फिर 22/7 बोल सकते हो। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻²⁻ यहाँ 28 में लिखना है, यहाँ हम लिख रहे हैं 31 किलोग्राम्स में चल रहा है सब कुछ, एसआई यूनिट में चल रहा है। के होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनली, सॉल्व नहीं करना है ना, मैं फाइनली बता रहा हूँ, फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा 0.529 × देखो ये कॉन्स्टेंट नहीं थे ना, ये तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जैसे हम दूसरे शेल, जैसे हम शेल को चेंज करेंगे, एटम को चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, तो इनको हमने वैसे ही रखा, तो ये आ गया 0.529 × n² / z। अब देखो बेसिकली आपने जहाँ जो आपने वैल्यूज़ रखी वो एसआई यूनिट में रखी है, तो ये भी एसआई में आएगा, यानी कि मीटर में आएगा, उस मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लिख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम ना, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये पहले मीटर में आया होगा और उसको हमने बाद में किस में कन्वर्ट कर लिया, एंगस्ट्रॉम में, और ये हो गया आपका रेडियस का फॉर्मूला कि किसी भी शेल की रेडियस क्या होती है। रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, 0.529 × n² / z, जहाँ पर n शेल नंबर होगा, ऑर्बिट नंबर होगा, और z क्या होगा, जिस भी एटम की बात चल रही होगी उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। देखो ये रहा फॉर्मूला, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूलाज की चिंता इस चैप्टर के अंदर मत करना, फॉर्मूलाज याद आपको हो जाएंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला, आपको याद होने भी चाहिए, ठीक, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं डायरेक्ट इस चैप्टर के अंदर। तो आप फटाफट से इस रिवीजन को क्या करें, कॉपी करें, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है हो गया, तो अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले फॉर्मूला पे। अगला जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं बेसिकली अब किसका है, वो वेलोसिटी का है। देखो एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगले फॉर्मूला की। अब हमारे पास देखो आपने अभी भी पढ़ा था v इज इक्वल टू nh अपॉन 2πmr, ये याद करो हमने पहले इक्वेशन से इक्वेशन निकाली थी जिसको हमने पुट किया था। अब देखो यहाँ पर हमें v निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो देखो अभी भी हमारे पास r आया था ना, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे उस r को, तो nh अपॉन 2πm। हाँ अब आपको तो याद होगा नहीं है ना, तो यही बस मैं इसलिए कह रहा था बार बार ये यूज़ होगा। देखो r आया था हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर, ये अभी हमारे पास आया था r, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, बस बार बार प्रैक्टिस करें चीज़ों की। देखो यहाँ हो जाएगा, देखें एन एच
अपॉन 2 पाई। अब देखो देखो m से m कैंसिल, बोलो सही है, एक n से एक n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल। तो देखो 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, इन टू एक 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, है ना, और नीचे रह गया, इसको हटा दो क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया, नीचे रह गया n और h इन टू n h, इसको भी हटा दो, हमने कैंसिल करके वैल्यूज लिखी हैं। देखो दिख रहा होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन nh। अब देखो भाई 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट और h कांस्टेंट, तो रह गया z और n रह गया। जब हम यहाँ पर भी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन। ध्यान रखें इन वैल्यूज को फॉर्मूला में हम भूल जाते हैं, सिर्फ ये याद रख लेते हैं, तो ये भी तो है भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना मीटर पर सेकेंड में है, 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो आज के लेक्चर का टाइम हमारा हो चुका है, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूलाज को आप न्यूमेरिकल से पहले आप फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रखते हैं। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल दिया था उसको सॉल्व किया था और हमने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने के लिए जितना पोटेंशियल या जितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया। जो फॉर्मूला हमारे पास रेडियस का, जो सबसे पहला फॉर्मूला है रेडियस का, जो एक नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड एम ई स्क्वायर, और जो एक नॉर्मल वैल्यू वाला फॉर्मूला आया था वो आया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिमिलरली हमने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल लिया और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आप इसको रिवाइज करना, हो सके तो आप खुद से भी मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, बाकी हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।